यार गाइस फकत ही सीन हो गया, मुझे लगा रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं बातें कर रहा हूँ कब से बोल रहा हूँ से यार, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग छोड़ गया। मैं पीछे से इतना भगा के लाया बाइक, ट्रक ही ट्रक। सुबह 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 गाइस ये देखो मैं जो एटम साला बंदा ये नहीं साइड में कर लो भाई। ये देखो कैसा धुआं धुआं, इस साइड मिट्टी इस साइड काला धुआं, ट्रक के ड्रॉबैक्स ट्रक के पीछे लगने के। तो भाई अभी ऐसे होते हैं ना सुबह सुबह, भाई रात को तब ट्रक रोड के राजा हैं ये। एक राजा ये है हमारे रोड का, सड़कों का राजा किंग। एक ये ट्रक है इतने बड़े बड़े मशीनरी, रात को ही रोड इनके होते हैं, सुबह सुबह भी बस। अब जस्ट हमारा कब्जा होने वाला है आम पब्लिक का सड़कों पे, जैसे जैसे दिन चल रहे। तो भाई यहाँ से यार मुड़ चलते हैं, हमने लगाए तो 10 मिनट है सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में। गाइस मेन फकत क्या हो गया मेरे साथ, मैं मुझे लगा रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं बातें करने में लगा हुआ, पर मैंने ध्यान दिया मैंने तो रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी भाई। तो भाई यहाँ से मुड़ चलते हैं, मुझे वैसे भी यार ठंड सी लग रही है बड़ी, मैं गलत किया मैंने हाफ स्लीव पहना है मैं। तो गाइस बच्चे खड़े थे स्कूल के देख रहे थे वो, गाइस बच्चों को तो बड़ी पसंद होती है गाइस, मतलब एक एज होती है एक, जब हमें भी पसंद आई थी हमारी भी क्रश बनी थी हमारी बाइक। तो गाइस जब इसमें स्पीड नहीं आ रही है, इसकी वायर ख़राब हुई हुई है, तब अब इसकी वायर चेंज कराएंगे हम, सेंसिंग वायर आगे वाली। तो गाइस यार अब मुड़ चलते हैं यहाँ से, बहुत हो गया ट्रैवल ट्रैवल। तो गाइस एवरेज देखो क्या दिखा रही है बाइक, 0 किलोमीटर पर लीटर तक्का डाला मतलब एवरेज ने हमारे साथ। तो गाइस चलो, तो गाइस 15 मिनट में हम पहुंच गए रोपड़े यार, 15 मिनट भी नहीं लगे हमें।
ये है बोर्ड, यहाँ से मुड़ चलते हैं यार, बहुत होगी राइड अपनी। रूपनगर 10 किलोमीटर, नंदपुर साहिब, और बस लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ से घूम चलते हैं हम। तो बस 15 मिनट आने को, 15 मिनट जाने को, आधे घंटे में हमारी राइड हो गई है कंप्लीट। अब बस अब चलते हैं वापस। तो गाइस ट्रक देख लिए नागालैंड क्या कहाँ कहाँ के। तो गाइस अपने इधर यार यही है ड्रॉबैक भी नहीं गाइस, ये भी यार रोज़गार है अपने इधर, इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, ट्रक यूनियन सबसे बड़ी। गाइस सबसे नुकसान मुझे इसलिए हो रहा है, बाइक भगाने में मज़ा तो आ रहा है पर गाइस ठंड बहुत लग रही है यार भगाते टाइम बाइक, ये वो हो रहा है, फायदा हो रहा है बाइक भगाने का। तरह दी बिंदु सरदारी चक्कर। तो गाइस अभी क्या यार, इसके पीछे वाली सीट ढीली हो गई है गेटियों की, तो यार जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, चलो मैं तो ऐसे खड़ा हो जाता हूँ गाइस, तो मतलब पीछे की यार इसका पता नहीं कसवानी पड़ेगी, उसका लॉक टूट चुका है, वो ऐसे थोड़ी सी खुल जाती है, खुलती मतलब ऐसे ऊपर को उठ जाती है, मतलब बाकी तो बंद ही है ऊपर को ऐसे, तो उसका भी देखते हैं कराते हैं। एक इसकी यार सेंसिंग वायर हिल चुकी है गाइज, मानो ना मानो यार केटीएम का खर्चा तो है भाई गाइज इसकी यार, मतलब बाकी हम स्प्लेंडर है मेरे पास यार, उसका तो कुछ पता ही चलता, बस तेल डलवाओ चलाई चलो, बस तेल डलवा के भूल जाओ। और गाइज इसका तो बस एक राइड लगाई, ये देखना अभी डंडे सुइयाँ आएंगी नीचे को, अभी मांगेंगे भाई साहब 500 रुपये की हरी पत्ती अभी खाएंगे ये। चलो गाइज वो नहीं बात होती यार, जब ली है हमने राइड लगानी है तो फिर तेल तो डलवाना ही है, पर वैसे बात कर रहे हैं इसकी मेंटेनेंस भाई सच में ज़्यादा है। तो गाइस क्या कहते हैं, इस बाइक को रखें कि सेल आउट कर दें गाइस, क्योंकि यार थोड़ा यार मुझे यार टाइम कम मिलता है, अब ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 महीने होने वाले हैं बाइक करी को बाइक, और मेरे पास टाइम होता है कम चलाने के लिए बाइक को, खड़ी रहती है यार। अब आज जैसे सुबह लिया यार मॉर्निंग में, दिन में तो टाइम ही नहीं होता, तो मैं सोच रहा हूँ यार किसी को मतलब अभी यार नई बाइक है ये, किसी के काम आ जाएगी, जो बंदा राइडर है मतलब डेली चलाने वाला है, दिन में इधर उधर जाना है घूमना है, अब इसकी यार ऐसे खड़ी खड़ी वैल्यू ख़त्म हो रही है, तो मैं नहीं चाहता यार ऐसे ही किसी के काम ही आ जाएगी, मतलब। और मुझे मेरा माउंट मेरा जैसे इसमें बॉन्ड हुआ है लगा है, मेरा था भाई क्रेज़ अब पूरा हो चुका है बाइक का, देखते हैं अब क्या बनता है सीन। अगर मैं सोच रहा हूँ ओएलएक्स पे डाल दूँ, नहीं सॉरी ओएलएक्स पे तो मैंने डाल ही दिया रात को, मैं आपको अब बता रहा था, क्योंकि यार गाइस शॉर्टेज ऑफ टाइम यार, नहीं चलती यार ऐसे खड़े खड़े क्या फ़ायदा, इसकी वैल्यू कम होगी। गाड़ियाँ सड़क पे चलती अच्छी लगती है, ना कि वो कहते हैं घर में खड़ी हुई, हाँ वो रील्स में अच्छी लगती है, पर इन ट्रूथ गाड़ियाँ अच्छी लगती है सड़क पे चलती हुई बाइकें, ना कि घर में खड़े रखने के लिए। पुलिस वाले भैया ने रोक लिया ट्रक, पीवी नंबर था मे भी, पता नहीं क्या माल आया होगा, चेकिंग होगी। ओह
ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਸਰਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪੰਪ ਹੁੰਦੇ ਡੋਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਾਇਸ ਠੰਡ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਇਸ ਰੋਮਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੋ ਗਾਇਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਨਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਟੀਐਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ